उदित राज मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। उदित जी स्वागत है आपका। उदित जी सबसे पहले सरकार के इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ऐसा है कि ये सरकार संघ की है, आरएसएस की है, जिसने देश का के आजादी के लिए बलिदान दिया, ये उनके खिलाफ थे। और आज भी मोदी जी, नेहरू जी को जिन्होंने 9 वर्ष जेल बिताया, बलिदान दिया, उसको बिना कोसे रह नहीं पाते। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी का नैतिक और अधिकार है बलिदान दिवस मनाने का। यह अधिकार तो जिन्होंने बलिदान दिया था। जी आप मना लेते इस बलिदान दिवस को, किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप कैसे मामलों पर राजनीति करते हैं, दुखद है। ये सब ड्रामा है, इनका नाटक है, ड्रामा है। सरदार पटेल आरएसएस को बैन करने वाले थे, बैन करने वालों में से थे, उनको अपना हीरो बना लिया जबकि इनके खिलाफ थे। तो जो कांग्रेस के हीरो हैं, क्योंकि इनका तो कोई हीरो, इनका तो इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा उन लोगों को तवज्जो इस फैसले से दी गई है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिन्होंने हिंसा का दंश झेला, आप उसका सम्मान नहीं कर सकते उदित राज जी? उनकी विरासत को खत्म कर रहे हैं, तीन मूर्ति में जो आजादी की लड़ाई लड़ा उनके इतिहास को मिटा रहे हैं, नेहरू जी को रात दिन गाली दे रहे हैं। उदित राज, कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी 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 से ऊपर क्यों नहीं उठ पाती? जवान अगर देश का कुछ करेगा तो आपको सबूत चाहिए, लोगों के बलिदान को कोई सम्मान देगा तो आपको मान्य नहीं होगा। इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया है ना, और आज भी अंग्रेजों का साथ पूंजीपतियों को दे रहे हैं। आज की बात कीजिए उदित राज जी, कल हम आजादी के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, इस आजादी के लिए खून पसीना एक किया था, लोग मरे थे, अपना वजूद तलाश रहे थे, उनको सम्मान नहीं दे सकते आप? जवानों ने ही आजादी कराई थी, जवानों को किसने इकट्ठा किया था? हमारे जवानों को किसने इकट्ठा किया वहाँ? हमारे जवान उस समय हमारी आर्मी हमारी थी क्या? अच्छा आप इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे? हाँ या ना में बताइए। अरे आप क्या बोल रहे हैं भाई, नहीं कर रहे ना उदित जी? रहिए मेरे साथ, जरा राकेश सिन्हा भी मेरे साथ हैं। राकेश जी, उदित राज कह रहे हैं कि ये फैसला कांग्रेस पार्टी को मान्य नहीं है, इसमें भी मोदी सरकार क्रेडिट ले रही है, फिर गुलामी की ओर आगे बढ़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो आज एक अभिनंदनीय निर्णय लिया है वो एक ऐतिहासिक रूप में है कि भारत के भारत ने बलिदान दिया, सुन लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। उदित राज जी सुन तो लीजिए राकेश जी को, अंग्रेजों के थे, हमारे नहीं थे, अरे इतना तो समझना चाहिए। सुन तो ले राकेश जी को, उदित राज जी रुको जरा, राकेश जी प्लीज अपनी बात रखिए। भारत के बंटवारे को इतिहासकारों ने, जिसमें नेहरूवादी और मार्क्सवादी दोनों शामिल है, इस प्रकार से पेश किया जैसे आने जाने वाली कोई सामान्य घटना थी। बंटवारे ने 10,000 साल के भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति पर अटैक किया, लाखों लोग जो निर्दोष थे वो मारे गए। मैं एक घटना बताता हूँ, कलकत्ता में जो जिनोसाइड हुआ, जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन हुआ, उसमें स्टेट्समैन अखबार की एक गर्भवती पत्रकार को सड़कों पे इस प्रकार हत्या की गई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बंटवारे, यह बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है जिसको दबा कर रखा गया, इतिहास का फुटनोट बना दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतिहास के पृष्ठों में फुटनोट बने बंटवारे को आज मुख्य पृष्ठ पर लाने का काम किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई मालूम हो। जो महत्वपूर्ण बात है जो कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, देखिए बंटवारे की ताकतें, बंटवारे की प्रवृत्तियां और बंटवारे की विचारधारा, तीनों का सही मूल्यांकन हमारी नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, तभी हम अपनी वर्तमान राष्ट्र को सुदृढ़ कर और अखंड भारत की कल्पना जी। राकेश जी ठीक है, राकेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।